नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का सीएससी से दोस्तों हम लोग किस प्रकार से जो है केवाईसी कर सकते हैं। हम तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के दिया था कि अभी जो है सिर्फ स्टार्ट टेक ही डिवाइस यूज में आ रहा है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट टेक ही डिवाइस से यहाँ पे मैं केवाईसी करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट टेक डिवाइस आपको कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद किस प्रकार से आपको केवाईसी करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मिस्टर बीआरए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दोस्तों आपको राइट बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों आपके लिए जो है मैंने एक पोस्ट लिख के रखा है findlifejob.com पे। जब दोस्तों आप इस साइट पे आ जाइएगा तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है सीएससी/सरकारी योजना में, आपको कहीं पे दिख जाएगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना केवाईसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिलेगा CSC PM Kisan eKYC update in fingerprint biometric। तो आपको इस पोस्ट पे ओपन कर देना है, आपको ये पोस्ट का डायरेक्टली लिंक जो है मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे में। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे केवाईसी किस प्रकार से करना है तो यहाँ पे बताया गया है। तो आपको केवाईसी करने के लिए जो है आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आपको डायरेक्ट इस लिंक को ओपन कर देना। जैसे ही दोस्तों आप लिंक को ओपन कर दीजिएगा तो आपको CSC ID और पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद लॉगिन कर लेना। यहाँ पे मैंने पहले एक बार लॉगिन किया था इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर सर्च करना है। आधार नंबर सर्च करने के बाद जो है आप एक कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल करके आपको यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर मांगा तो वही डालना होगा, ऐसा कोई बात नहीं, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पे मैं फोन में OTP जो है आ चुका है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको कैप्चर फॉर ईकेवाईसी के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप कोई अदर डिवाइस अगर लगाए हुए हैं तो आपका जो लाइट नहीं चलेगा, अगर आपके पास स्टार्ट टैग का डिवाइस है तो ही लाइट जलेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कैप्चर फॉर ईकेवाईसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट में लाइट जल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट टैग का डिवाइस है। और यहाँ पे मैं फिंगर लगा देता हूँ, फिंगर लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट का एक बटन आ जाएगा। आप जैसे ही दोस्तों सबमिट कर दीजिएगा तो आपको जो है नेक्स्ट में मेक पेमेंट के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे ईकेवाईसी सबमिट हो चुका है और यहाँ पे मुझे मेक पेमेंट के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे जो है आपको ₹5.34 का पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, अपना CSC का पासवर्ड डालने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपका जो वॉलेट पिन है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे एंटर करने के बाद आप पे पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे ईकेवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी मिल चुका है। आप ये रिसिप्ट कस्टमर को दे सकते हैं अगर किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो। और यहाँ पे जो है मैंने स्टार्ट टेक के डिवाइस से जो है ईकेवाईसी किया है, आप लोग भी स्टार्ट टेक के डिवाइस से सक्सेसफुली कुछ इसी प्रकार से ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सिस्टम में स्टार्ट टेक डिवाइस किस प्रकार से इंस्टॉल करना है इसका वीडियो भी चाहिए दोस्तों, वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जो है ईकेवाईसी होने वाला है और इस प्रकार से रिसिप्ट निकलने वाला है। दोस्तों आपको मैंने पूरा चीज बता दिया कि किस प्रकार से जो है ईकेवाईसी करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।